नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज सस्पेंडेड सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल ऑन रिलीजिंग इट्स वेलोसिटी एट द लोस्ट पॉइंट विल बी और ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं नाउ सवाल सिंपल है सीनैरियो uh, ये है कि ये आपकी लोएस्ट पोजिशन की वो पो है सिचुएशन uh, और ये आपने यहाँ से पेंडुलम को लेट से थीटा एंगल पर रिलीज किया है ना ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे जाके इस जगह से क्रॉस uh, होके ऐसे करके सेम एंगल पे पहुंचेगा सो so, हमें बताना है यहाँ पे जब वो पार्टिकल पहुंचा है तो यहाँ पे आपकी uh, उसकी स्पीड कितनी होएगी ठीक है यहाँ पे स्पीड uh, की वैल्यू बतानी है ना इस केस में अगर हम देखें तो आपका पार्टिकल जो है वो इस हाइट से यहाँ से यहाँ ये यह आपका एच हाइट ड्रॉप किया है यहाँ पे हम वर्क एनिथुरम तो लगा सकते हैं सो so, ये एच हाइट आपका ड्रॉप किया है ना ये अगर लेंथ uh, आपकी एल है ये एंगल थीटा है तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी एल थीटा और ये एच जो है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आता है टोटल लेंथ है लें ले, तो इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस एल थीटा ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी एच की सो so अगर हम इस पॉइंट लेट्स से लेट्स कॉल दिस ए लेट्स कॉल दिस बी ए और बी के बीच में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं सो so, हम कह सकते हैं इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी ना क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय बाडोफोज जीरो है इस वजह से हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल एनर्जी आपके बराबर होगी ना हो Now, यहाँ पर इनिशियल एनर्जी किसी एक लेवल को जीरो मान लेते हैं सो लेट से इसको हमने जी पी ई ज़ीरो माना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का लेवल जीरो माना तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच कानेटिक यहाँ पे जीरो बिकॉज उसको हमने रेस्ट से रिलीज़ किया है जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और आपकी कानीटिक एनर्जी होएगी हाफ एम यू स्क्वायर नाउ एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस जी एच अंडर वूड एच की वैल्यू ये वाली हम डाल सकते हैं यहाँ पे तो यू की जो वैल्यू है ये आ जाएगी अंडर वूट में ट्वाइस जी एल वन माइनस थीटा ये आपकी यू की वैल्यू हो जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर